स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार। बच्चों के साथ मस्ती करना, उदास और रोते हुए को हंसाना, किसी को परेशान ना करना और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीखना हो तो इस कवि मिजाज पुलिस वाले से सीख लें। सीतापुर में तैनात कोतवाल बनारस के घाट पर सीढ़ियों पर बैठे अपने स्टाफ के साथ मस्ती कर रहे हैं। कविताएं गाकर उनके चेहरे की उदासी और थकावट को दूर कर उनमें एक नई ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। वही इस वीडियो में पुलिस वाले भी उनका ये वीडियो बनाकर स्टाफ को भेजकर खूब मजे लेते नजर आ रहे हैं। कोतवाल धर्मराज उपाध्याय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गजब हो गया, पिछली रात में एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया, पिछली रात में एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी, क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था, या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था। मगर साहब, कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी, ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको। वैसे तो शिक्षकों का काम है लोगों को शिक्षित करना, अच्छे बुरे की पहचान कराना और जिंदगी जीने के लिए जरूरी ज्ञान देना, लेकिन कई बार ये शिक्षक जिंदगी का एक ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं जो हमारे लिए मिसाल बन जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी टीचर ने 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। रणजीत सिंह को बतौर ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुने जाने पर ये बड़ी इनामी जीत मिली है। खास बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर होने का सम्मान मिला, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि इनाम मिलने के बाद इस टीचर की ओर से किया गया काम। टीचर का ये कदम कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छू लेगा। यूनेस्को और लंदन स्थित बार्की फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले ग्लोबल टीचर प्राइज की घोषणा 3 दिसंबर को हुई। सोलापुर जिले के परितेवाड़ी जिला परिषद स्कूल के टीचर रणजीत सिंह ने ये पुरस्कार जीत लिया। 32 वर्षीय रणजीत सिंह को इनाम के तहत $10,00,000 का पुरस्कार मिला। दरअसल अब इस राशि का आधा हिस्सा अपने साथियों को देने का ऐलान कर चुके हैं। रणजीत ने ये दान करने का कदम उठाकर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा दिया है। रणजीत ने बताया कि दान सबसे बड़ा धर्म है और शिक्षक हमेशा धर्म की राह पर ही चलना सिखाता है। दुनिया के 140 देशों के 12,000 से ज्यादा टीचर्स ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया था। रणजीत को ये इनाम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में त्वरित प्रक्रिया कोडेड पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति देने के प्रयासों के चलते दिया गया। ये पुरस्कार ऐसे विलक्षण शिक्षक को दिया जाता है जिन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।